माय हस्बैंड कुडेंट अनफर्चुनेटली गेट अ डे ऑफ और उन्हें मैंडेट किया गया था सो ही इज एट वर्क सो सबसे पहले मैंने अपनी प्रेयर्स करी है और अब मैं सोच रही हूँ कि लेट्स कुक समथिंग और मैं कुछ स्वीट बनाने वाली हूँ हमारे घर में पहले से ये कस्टम रहा है कि जिस भी दिन किसी का बर्थडे हो हम कुछ स्वीट बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं तो यही कस्टम मैं भी फॉलो करना चाहती हूँ सो so, मेरे घर पे इंडिया में मेरे मॉम ने भी uh, आज स्वीट बनाया था उसी के साथ आई थॉट लेट मी शेयर माय रेसिपी एज वेल विथ यू आज मैं बनाने वाली हूँ खीर और ये खीर बहुत ही डिलीशियस होती है और मैंने पहले भी बनाई हुई है सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इन दिस सो आई विल शेयर दैट रेसिपी विथ यू सो लेट्स गेट स्टार्टेड So, सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ़ अ कप ऑफ राइस लिए हैं आपके पास जो भी राइस है वो आप ले सकते हैं और इसे आप पानी में सोक करके रख दीजिए फॉर अबाउट द टाइम जब तक हमारा मिल्क बॉयल होता है ये वन लीटर ऑफ मिल्क है जिसके लिए मैंने हाफ अ कप ऑफ राइस लिए हैं सो so, ये जो मिल्क है उसे हमें कंटीन्यूसली स्टर करना है और साइड्स में जो मिल्क लगता जा रहा है उसे भी मैं स्क्रेप करती जा रही हूँ और इसे बॉईल होने तक कंटिन्यूसली हमें चलाना है अदरवाइज़ ये नीचे से जल सकता है और ये देखिए अभी ऑलमोस्ट ये बॉईल होने की कगार पर है एंड इस तरीके से आपको जो है साइड से लगा हुआ जो मिल्क है वो वेसल में से आप स्क्रेप करते रहे टाइमली और ये हमारे मिल्क में एक बॉइल आ चुका है और ये जो राइस हमने सोक किए थे उन्हें ड्रेन करने के बाद मैंने इन्हें कूट दिया है थोड़ा सा और उसे हम ऐड कर रहे हैं मिल्क के अंदर अब आप अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और कीप स्टरिंग स्टरिंग एंड स्टरिंग और डू रिमेंबर कि साइड से इस तरीके से आपको मिल्क स्क्रेप ऑफ करते ही रहना है कंटिन्यूसली और ये अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स लेगा कुक करने के लिए और आपको गैस के पास से बिल्कुल नहीं हिलना है प्लीज़ कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए साइड से मिल्क को स्क्रेप भी करते रहिए एंड इट डेफिनेटली नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस सो जब आपके पास फुर्सत से टाइम हो तब भी इस रेसिपी को बनाए सो so, इसी तरह से आप राइस को पकने दें उसके बाद ही आपको शुगर ऐड करनी है ये मेरे पास पीसी हुई शुगर है और यहाँ की शुगर थोड़ी सी कम स्वीट आती है इसलिए मैंने वन कप ऑफ शुगर लिया है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं बट ओनली एड इट आफ्टर द राइस इज़ प्रॉपरली कुक्ड और राइस को कुक होने में अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगते हैं उसके बाद ही आपको ये शुगर ऐड करना है और अगेन स्टार्ट स्टरिंग इट वेल और शुगर डालने के बाद जो शुगर का पानी है वो रिलीज़ होगा जिसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली हो जाएगी बट डोंट वरी आप स्टरिंग चालू रखिए इसमें मैंने फ़ोर टू फाइव इलायची को क्रश करके उसका जो पाउडर बनाया है वो डाला है इसके बाद इसमें थोड़ा सा केसर और ये मैंने थोड़े से किशमिश डाले हैं बिकॉज़ मुझे वही पसंद है आप चाहे तो और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं सो so, एक लास्ट बॉयल आने का हम वेट करेंगे सो so दैट खीर हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए और इसे बनाने में अप्रॉक्सीमेटली मुझे फोर्टी फाइव मिनट्स लगे हैं और अब इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है अच्छे से साइड स्क्रेप कर लीजिए और आपकी खीर रेडी है हमने अपनी खीर रेफ्रिजरेट होने के लिए रख दी है एंड वी हैव सम टाइम सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ये एक साल की जर्नी इन शॉर्ट आप सबके साथ शेयर करूं ब्रीफली कि मैं अपने साल को कैसे एनालाइज़ करती हूं और कनाडा में आकर मैंने क्या सीखा और मुझ में क्या चेंजेस आए मेरे अकॉर्डिंग सो so, um, आई थिंक बहुत से लोग जो यहाँ पर आते हैं बहुत से एज स्टूडेंट्स या एज पाउसेस ये फेज अंडर को करते हैं दे हैव टू सेपरेट फ्राम दे पेरेंट्स फैमिली एट्सट्रा सो इट्स काइंड ऑफ डिप्रेसिंग कि आप यहाँ पर अकेले हो यू हैव टू हैंडल एवरी थिंग ऑन योर ओन सो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज इस साल uh, मेरे लाइफ में आया वो था कि मैं इंडिया से कैनेडा मूव हुई और uh, के हर इंसान के लिए इनिशियली किसी भी नए कंट्री में एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड अभी भी मेरा आई फील मेरा इनिशियल फेज ही चल रहा है सो आई एम स्टिल एडजस्टिंग बट आई लर्नट यहाँ पर आकर इज़ टो बी हैप्पी इन वट एवर सिचुएशन यू आर इन ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और हम्बलनेस uh, आई मेरे अंदर बिकॉज आई फील कि uh, पेरेंट्स के साथ या एक फैमिली के नज़दीक होते हैं प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है वो और पेरेंट्स हमारे लिए कितना करते हैं ये चीज़ हम कभी रियलाइज़ नहीं करते पेरेंट्स और फैमिली और अपने घर की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हो गई और सो यहाँ पर आकर मैंने सीखा हर एक चीज़ में आप पॉजिटिव एंगल हमेशा ढूंढ सकते हैं द इनिशियल टाइम्स आई हैव बीन अ काइंड ऑफ पर्सन की uh, हर एक पॉजिटिव चीज़ में भी मुझे सिर्फ नेगेटिव uh, दिखता था या सिर्फ फीयर्स होते थे या आई वॉज ऑलवेज अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर आकर आई लर्न टू नोटिस द पॉजिटिव अस्पेक्ट इन एवरी सिचुएशन इन विच यू आर सो यू काइंड ऑफ गेट डिसकनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड यू फील सो बट अगर उसमें मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूँढूँ तो वो है कि आई हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग माय रिलेशनशिप्स अ लॉट मोर एंड मुझ में बहुत ग्रैटिट्यूड है आई डोंट नो ड्यू टू वॉट सो एवर रीजन्स द डिस्टेंस हैज़ मेड मी रियलाइज दैट मटेरियलिज़म इज़ नथिंग हम पूरी लाइफ सिर्फ सोशल मीडिया पर या लोगों को दिखाने के लिए या कई बार एक फेक लाइफ जीते रहते हैं और उसी चक्कर में एवरी डे वी स्ट्रगल हार्ड टू क्वाइट ए लॉट ऑफ अननेसरी एक्सपेंसिव आइटम्स जिनकी शायद हमें ज़रूरत नहीं है uh, और uh, उसी चक्कर में हम अपने फैमिली को टाइम देना उनकी वैल्यू करना भूल जाते हैं सो यस दिस इज़ अ लेसन लर्नड एंड डेफिनेटली आई रियलाइज कि कौन लोग जेन्यूनली यू नो दे आर माइन और uh, जो मुझे अभी भी आफ्टर बीइंग सो डिस्टेंट आफ्टर बीइंग सो डिसकनेक्टेड मैसेज करते हैं वैल्यू करते हैं एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम दूर आकर रियलाइज डेफिनेटली हो जाता है कि कौन लोग आपके पास है तो दि सेड थिंग और आप एक हैप्पी और पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ इफ़ यू वेक अप एवरीडे यू विल सक्सीड इन लाइफ एंड कॉन्फिडेंस इज द की Uh, however you are, wherever you are, be confident in your own self, in your own skills, and definitely you will achieve great heights. So, ye, my birthday par a uh, positive note ke uh, really thankful to each and everyone who has been following my channel and showing me support. I feel it's time that my husband should be home now, so I'm waiting for him. और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे एंड देन माई हसबेंड के ही गॉट मी रेड रोजेस और बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज़ था और मुझे बहुत पसंद आया फ्लावर्स। उसके बाद मैंने किया मेरा बर्थडे केक कट छोटा सा क्यूट सा केक था एंड सफिशेंट फॉर टू पीपल और ये केक खिलाने की सेरेमनी एंड इट वॉज अमी केक सो ईटिंग मोर ऑफ इट इसके बाद हम निकल गए थे एक छोटी सी ड्राइव के लिए एंड uh, यहाँ पर अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है एट अबाउट फोर थर्टी और फाइव पी एम फुल्ली डार्क हो जाता है सो so, ये स्टार्ट हो गया है डार्क होना बट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर लाइक ट्रीज़ पूरे वाइट हो जाते हैं इतना ब्यूटीफुल लगता है अगर आप देखें सारे ट्रीज़ पे स्नोफ्लेक्स चिपकी हुई एंड इट्स स्नोइंग राइट नाउ और इसके बाद हम गए थोड़ी सी शॉपिंग पे और मुझे मिली मेरी गिफ्ट और ये स्नोफॉल और उसके बाद हम गए डिनर पे टू हैव सम समीज़ फूड ये हो गया है नेक्स्ट डे एंड अब मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल दोज हु विश्ड मी ऑन माई बर्थडे इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन अब